हरदोई में डीएम एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ की पैदल गश्त, रेहड़ी पटरी दुकानदारों से की हालचाल लेते हुए चर्चा। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि आज पुलिस बल के साथ में शहर में पैदल गश्त की गई है, रेहड़ी पटरी दुकानदारों से हालचाल लेते हुए चर्चा की गई है। पैदल गश्त के दौरान देर शाम तक खुले बैंक का निरीक्षण किया गया है। लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए पुलिस प्रशासन का यह कदम है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के साथ जिला अधिकारी अविनाश कुमार भी हरदोई की सड़कों पर उनके साथ पैदल गश्त के दौरान मौजूद रहे हैं। लोगों से कई विषयों पर चर्चा की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर के विभिन्न मार्गों पर भारी पुलिस बल सड़क पर उतरा हुआ है और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के पैदल गश्त करते हुए लोगों से चर्चा की जा रही है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि नई सरकार के गठन के पश्चात आम जनता में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए, सुरक्षा की भावना देने के लिए डीएम साहब मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है और विभिन्न लोगों से वार्ता भी की गई है, दुकानदारों से, रेहड़ी के दुकानदार, जो भी पटरी के दुकानदार हैं उनसे, ज्वेलर से। अभी एक बैंक भी चेक किया गया है जो देर शाम तक खुला था, ताकि उनके मन में ये भावना रहे कि प्रशासन और पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है।